पिछले साल 4 जून को यानी गौतम ने फिल्म उरीद सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ शादी की थी। अति खूबसूरत जोड़ी जल्द ही अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाएगी। वहीं पिंक कला के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में यामिनी ने अपनी एनिवर्सरी के बारे में बात करते हुए सेलिब्रेशन के प्लानिंग शेयर की। यामिनी ने कहा कि मैं शूटिंग करने जा रही हूँ, मैं अभी नाइट शिफ्ट में काम कर रही हूँ, लेकिन हम फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे। यामिनी गौतम का कहना है कि सेलिब्रेशन कहीं भी हो सकता है। ये स्पेशल पलों के बारे में कहा है कि मेरा परिवार हमेशा से मेरी दुनिया रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इसके अलावा यामिनी ने कहा कि ये एक मज़ेदार दिन होने वाला है। मेरी माँ शहर में है, आदित्य के माता पिता यहाँ हैं, हमारा पूरा परिवार यहाँ है, इसलिए हम घर पर छोटा सा लंच करने जा रहे हैं। घर पर एक छोटी सी पूजा होगी। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि हमेशा ये बात होती है कि हम क्या करें। इतनी छोटी छोटी बातचीत, जैसे कि हमें इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सभी तस्वीरों को फिर से देखना, ये वाकई खास है। अब वास्तव में खुशी महसूस करते हैं जब आप जानते हैं कि आप सबसे अच्छे जीवन साथी के साथ हैं। यानी गौतम और आदित्य ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा था कि हमारे परिवार के आशीर्वाद से हम शादी के बंधन में बंध गए हैं। हमने इस खुशी के अवसर को अपने परिवार के साथ मनाया। हम प्यार और दोस्ती के साथ इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं। हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। लव, यामी और आदित्य। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।